खड़े हो जाओ आप लोग। बहुत देर से आप बैठे हो, खड़े हो जाओ। देखो उतना सुनो जितना अजब हो जाए। जब आपको मथुरा में 60 साल सुना है और आपकी समझ में कुछ नहीं, तो हम आप वो समय बेकार नहीं थे। उतना सुनाएंगे जितना आप सुन के अजब हो और उसे लाभ प्राप्त कर सकते। जय गुरुदेव, जय इसीलिए कहा मेरा काम न कोई कर सकता न हमको अपने काम से कोई रोक सकता। ये मोटी पहचान है और आपके पास ये भी पहचान नहीं है कि जो इतना बड़ा चैलेंज कर रहा है कि मेरा काम न कोई कर सकता, ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं। आपने महात्मा रघुनाथ जी की ज्योति पढ़ी होगी, संत रविदास जो मीराबाई के गुरु थे, उन्होंने सैकड़ों साल पहले ज्ञान ज्योति में एक अपनी भविष्यवाणी लिखी। उन्होंने कहा है कि आगे ऐसा समय आ रहा भारत में अवतारी होगा, ज्योति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, अद्भुत ऐसा अनोखा सेनानी, तीर तमंचा भाला बर्छी नहीं चलाएगा, बम नहीं फेंकेगा, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। रघुनाथ जी और एक विशेष बात कहना चाहते, क्या कहा उन्होंने, वो सृष्टि का अनोखा अद्वितीय विलक्षण महापुरुष होगा जो ऐसी लीला करेगा कि जीते जी कई बार मरेगा, जीते जी कई बार मरेगा और छंदम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घबरा, सभी तरफ कोहराम मचेगा,
कैसे हिंदुस्तान बचेगा। जय गुरुदेव। आगे क्या कह रहे रामदास जी, किसने भारत मां सताई, किसने इसकी कड़ी लुटाई, कौन कौन नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा हमारी, एक दिन ये सब मैदान छोड़ के भागेंगे और अपने घरे घरों में छिपेंगे। लेकिन महापुरुष क्या करेगा, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर दे। कोई नहीं बाकी रहे, ये संगत का धन लूट रहे हैं, इनको सोवास भी नहीं है। बाबा जी ने पहले भी कहा, मैंने एक ऐसा बना के चाल रखा है, छोटी बड़ी मछली कोई नहीं बचेगी जो समय आने पर फंसे। तुम भूल गए, इसने जिसने संगत का धन खाया एक भी नहीं, ये मत सोचो कि वो बच जाएंगे। अनामी महाप्रभु की नजरों में सब, बाबा जी ने एक इशारा किया था कि बच्चा तुम्हारे पीछे कुदरत ने एक कैमरा लगा दिया और रात दिन की तुम्हारी सारी घटनाएं लूट कर, जब कुदरत यानी जब इंसान के कैमरे से तो आपको डर लगता, कैमरे के सामने जाएंगे सारी हकीकत खोल देंगे, लेकिन भगवान के कैमरे से नहीं डरा, जो जीवात्मा तुम्हारे सबके अंदर बैठे 24 घंटे की सारी घटना देख रहे, कितना अच्छा कितना बुरा, कितना पाप कितना पुण्य, इतना लूटपाट कर रहे हो सब, ये कमीशन एजेंटी ये सब भूल जाएगी तुम्हारी 2 मिनट, तुम समझते हो कोई देख नहीं रहा, तुम नहीं देख रहे हो और तुम्हें देखने वाला 24 घंटे देख रहा। इस पर आपको विचार करना चाहिए, गुरु से कपट, संघर्ष से चोरी और की वो निर्धन की वो कोढ़ी, ये कानून है कुदरत का, इस कानून से बच के रहना, ये किसी को छोड़ेगी नहीं। और आपको सर इस पर विचार करना चाहिए कि कहीं इसके अंतर्गत तुम्हारी कमी तो नहीं आ रही, नहीं तुम अपने आप को बता नहीं पाओ। जय गुरुदेव। जय कल मैंने आपको इशारा किया, वैसे उसको कहने की जरूरत नहीं है, अब तो सब सामने पड़ा, अब ये राज सब सामने, जितना झूठा प्रचार किया गया उतना जल्दी धीरे धीरे सब समाप्त, क्योंकि सत्य की हमेशा विजय होती, सत्य को परेशान किया जा सकता लेकिन पराजित नहीं किया, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अभी तो मैं आपको इशारा कर रहा हूं, कहते जाओ अच्छी बात है, नहीं तो कुदरत की बात से नहीं बच पाओ और उससे कोई बता भी नहीं सकता, तो आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें कि आप सपरिवार साकार ही हो जाए और भजन करें।